एक सूफी संत की कथा है। बादशाह का कुछ रहा होगा महल हवेली कुछ, तो उसके नीचे से गुजर रहा था, वहाँ खड़े रहे होंगे उसके कुछ सैनिक वैनिक, तो उनसे पूछता, हाँ भाई ये सराय किसकी है? बोलते, मरना है तुझे, बादशाह बहादुर की हवेली को सराय बोल रहा है। बोलते, तुझे कुछ पता नहीं, हट। फिर दूसरे को बुलाता है, बोलते, तुम बताओ ये सराय किसकी है? मैं यही भाला गड़ डाल दूंगा अंदर बिल्कुल, दोबारा सराय बोला तो। फिर तीसरे को बुलाता है, अब शाम का समय था, ऊपर वो टहल रहा था छत पर बादशाह, उसने नीचे ही सब तमाशा देखा, बोल रहा है कि घूम रहा है नंगा, और जो आ रहा है उसी को बुला बुला के कह रहा है ये सराय किसकी है। उसको कुछ खटका हुआ, बोला इसको अंदर भेजो। वो अंदर आया, बोले कैसे कर रहा है तू सराय? बोलता, अच्छा इसमें कौन रहता था? बहुत पुरानी है आपकी लग रहा है। बोला, हाँ बहुत पुरानी खानदानी है, 200 साल। बोले, कौन रहता था? बोले, परदादा रहते थे। बोले, अच्छा अब वो कहाँ है? बोले, अब वो नहीं रहते। अच्छा ठीक है, फिर कौन रहता था? बोले, दादा रहते थे। अब वो कहाँ है? नहीं रहते। फिर कौन रहता था? अब्बा जान रहते थे। अब वो कहाँ है? इतनी देर में उसको जो है ट्यूबलाइट जलने लग गई थी। बोलता, अब आप रहते हैं? एकदम उसने जली भुनी नजरों से उसको देखा। बोलता, है तो तू आदमी गड़बड़, पर तेरी बात आ गई समझ में मुझे, है तो ये सराय, कैसे कह दूं कि मेरी है? जो चीज छिन जानी है उसको अपना कहने का क्या तुक है, और छिननी भी ऐसे है कि छीनने वाला बता के नहीं छीनेगा, अचानक आएगा, कोई नोटिस नहीं, कोई पूर्व सूचना नहीं, बस आकर के लेकर के चला जाएगा, उसको अपना कैसे बोल रहा हूं? निर्ममता, मेरा नहीं है।